हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है BCA 6th सेमेस्टर के लिए। और जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है HTML फॉर्म। HTML फॉर्म हम विजुअल हम वेब टेक्नोलॉजी में हम कैसे बनाते हैं, क्या उसका यूज़ है। ये स्टूडेंट हम जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इसका ऑलरेडी इससे पहले मैं यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा। उसी के सीक्वेंस में आज हमारा जो HTML फॉर्म जो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने स्टार्ट किया था, उसका ही आज ये लेक्चर 3 है HTML फॉर्म का। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको 4 या 5 लेक्चर में फिनिश करूंगा HTML फॉर्म में, क्योंकि इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, उनका अपना अलग अलग काम है। और लास्ट में जब मैं HTML फॉर्म का जब मैं लास्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें सारे कंट्रोल्स का यूज करूंगा, पूरा हम एक HTML फॉर्म बनाएंगे। तो अभी मैं उसी सिक्वेंस में जो आज का जो हमारा जो टैग है वो है हमारा टेक्स्ट एरिया। इससे पहले स्टूडेंट जो है वो हमने टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल और इनपुट टैग का हमने यूज करना सीखा था HTML फॉर्म के अंदर। तो उसी के सीक्वेंस में स्टूडेंट्स आज जो हमारा जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है वो हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग का क्या यूज है? देखो स्टूडेंट, जब हम मल्टीपल लाइंस का यूज करते हैं फॉर्म के अंदर, जैसे सपोज एक गाइड्स बात है एड्रेस, जब हम एड्रेस को एंटर करते हैं तो एक ही लाइन में तो एड्रेस कंप्लीट होगा नहीं, उसमें हमें कम से कम 2 या 3 लाइन हमें देनी पड़ेंगी। और जो हमारा जो है क्या नाम है, जो हमारा टेक्स्ट है उसकी हाइट क्या होगी, वो जो हम इसमें इंसर्ट कराएंगे, जो हम मल्टीपल लाइंस लेंगे उसमें हम टेक्स्ट में इंसर्ट कराएंगे, जाहिर सी बात है जो है टेक्स्ट में होगा हमारा एड्रेस, तो उसमें जो है वो क्या नाम है हमारे जो हमारा टेक्स्ट है उसकी हाइट क्या होगी। उसके लिए हमारा एक जो टैग है वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग का हम यूज करते हैं फॉर्म्स के अंदर मल्टीपल लाइन को, हम मल्टीपल लाइन को इंसर्ट कराने के लिए उसमें हम टैग्स के फॉर्म में हम उसमें कोई टैग्स हम उसमें इंसर्ट कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए समझ लेते हैं। टेक्स्ट एरिया टैग इन फॉर्म क्या है? टेक्स्ट एरिया टैग इन HTML इज यूज्ड टू इंसर्ट मल्टीपल लाइंस। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इज यूज्ड टू इंसर्ट मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लाइंस का जो है हम यूज करते हैं, यूज टू इंसर्ट मल्टीपल लाइंस टेक्स्ट इन ए फॉर्म। मल्टीपल लाइन का यूज होता है हम मतलब जो है टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए फॉर्म के अंदर। दिस साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया कैन बी स्पेसिफाइड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है कि the size of text area can be specified either using, किससे करें, either using rows or columns। ये rows और columns attribute का हम use करते हैं क्या नाम है HTML में जो है उसके size को define करने के लिए। जो हम text area है कि जिसमें हम address को हम note करेंगे उसका size क्या होगा, तो या तो हम rows को use करें, columns को use करें, या जो है हम cascading style sheet यानी CSS का भी use करके उसकी height और width को हम ले सकते हैं। तो या तो हम rows और columns का हम use करेंगे attribute का, या हम जो है CSS के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अगली important चीज़ समझनी है, the rows attribute specify the visible height of text area। जो हमारा रोज क्या करता है वो क्या कहते हैं, रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड द विजिबल हाइट ऑफ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया की जो विजिबल हाइट है उसको स्पेसिफाइड करता है किसमें, इन लाइंस, लाइंस में। और उसके बाद स्पेसिफाइज हाइट ऑफ टेक्स्ट एरिया इन लाइंस बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2। जो हमारी रोज की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया रोज 2। प्रोग्रामिंग कभी मैं आपको समझाऊंगा अभी प्रोग्राम, ठीक है। तो या तो हम रोज या कॉस के यूज करें, या हम कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करें, जो हमें एड्रेस डालना है मल्टीपल स्टाइल में उस टेक्स्ट की हाइट को जो है क्या नाम है रिप्रेजेंट करने के लिए रोज और कॉस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और जो है टेक्स्ट एरिया नाम का टैग का यूज करते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है। चलिए सर, ठीक है, तो एक बार हम फिर जो है प्रोग्राम को समझ लेते हैं, प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये डॉक टाइप एचटीएमएल, यहां से प्रोग्राम हमारा शुरू होता है। डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल, ये हमारा जो है यहां से प्रोग्राम हमारा शुरू होता है। एचटीएमएल हेड और टाइटल, ये हमारे सीक्वेंस होते हैं किसी भी एचटीएमएल के प्रोग्राम को लिखने के टैग होते हैं। एचटीएमएल होगा, फिर हेड होगा, टाइटल, टाइटल में आया फॉर्म इन एचटीएमएल, यानी कि हमारा जब प्रोग्राम रन होगा जब खुल के आएगा फॉर्म के टॉप पर जो होगा वो लिख के आएगा फॉर्म इन एचटीएमएल। ये हम जो हमने बीच में दिया टाइटल को हमने ओपन किया, टाइटल को हमने क्लोज कर दिया, हेड को हमने ओपन किया, हेड हमारा क्लोज हो गया, क्योंकि हेड के हेड में ही हमें टाइटल को लिखना है। अब फॉर्म जो होगा, फॉर्म किसके अंदर होगा, फॉर्म जो होगा वो फॉर्म की बॉडी, ये फॉर्म की बॉडी हो गई, तो जो है फॉर्म की बॉडी बॉडी के अंदर हमारा फॉर्म होगा, तो भाई बॉडी, बॉडी के बाद हमारा फॉर्म, फॉर्म ओपन हुआ। अब देखो इसमें लिखना है एंटर योर एड्रेस BR, ठीक है। BR मतलब क्या होगा कि ब्रेक द लाइन, लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा BR का यूज किया हमने, एंटर योर एड्रेस,
उसके बाद देखो यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट के यूज के जो हमने डिफाइन किया टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया रोज है ना, टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल टू 2 बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने लिखा भी है, द रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल हाइट ऑफ टेक्स्ट एरिया इन लाइंस एंड स्पेसिफाइड द हाइट ऑफ द टेक्स्ट एरिया इन लाइंस डिफॉल्ट वैल्यू इज 2। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है 2 होती है, कोई सम नहीं है 20 ले लिया और टेक्स्ट एरिया देखो जैसे कि हमने टेक्स्ट एरिया को यहां ओपन किया वैसे ही हमने यहां टेक्स्ट एरिया को क्या किया स्टूडेंट्स हमने यहां पे जो है उसको क्लोज कर दिया। ठीक है तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया हमारा क्लोज हुआ और ये हमारा जो है फॉर्म हमने ओपन किया तो फॉर्म हमने क्लोज कर दिया, यहां बॉडी को क्लोज किया, यहां हमने एचटीएमएल को क्लोज किया। ठीक है स्टूडेंट्स तो हमने तो यहां पे टेक्स्ट ये हमारा टेक्स्ट एरिया क्या टैग हो गया, रोज हमारा एट्रीब्यूट हो गया, टू जो है वो हमारी बाय डिफॉल्ट जो है हमारी जो है लाइंस हो गई कि टू लाइंस और कॉल्स के मल्टीपल लाइंस में कितना हम एड्रेस को टाइप करेंगे वो हमने यहां डिफाइन किया, ये टेक्स्ट एरिया हमने क्लोज किया, फॉर्म बॉडी फॉर्म को हमने ओपन किया, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी हमने ओपन बॉडी को क्लोज किया, एचटीएमएल हमने ओपन और एचटीएमएल हमारा क्लोज जो हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा कि भाई टेक्स्ट एरिया वो टैग होता है जो एचटीएमएल फॉर्म के अंदर क्या हम यूज करते हैं, इंसर्ट मल्टीपल लाइंस टेक्स्ट इन ए फॉर्म, जो है कि मल्टीपल लाइन को हम इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट कराने के लिए और उसमें जो है रोज और कॉल्स दो एट्रिब्यूट का यूज करते हैं या फिर हम उसमें जो है सीएसएस का यूज करके हाइट और विड्थ को भी हम उसकी मेंशन कर सकते हैं जो हमें एड्रेस सेंड कराना। तो यहाँ पे देखिए अभी जैसे हम प्रोग्राम को मतलब जो है नोट पैड पर बनाएंगे उसको सेव करेंगे जो भी हम इसका नाम देना है, सपोज दैट हमें इसका जो है वो नाम देना है टेक्स्ट एरिया डॉट एचटीएमएल, जो भी कोई नाम देना चाहें आप वो आप देंगे डॉट एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज इसका एक्सटेंशन है, अगर एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो आपका फाइल सेव नहीं होगी। नोट पैड पर इसको को बनाएंगे उसके बाद उसको सेव करेंगे और फिर आपकी जो है सेव करने के बाद उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो जो है आपका फॉर्म रन होगा। तो आपने देखा टाइटल लिखा है फॉर्म इन एचटीएमएल तो आप ये ऊपर लिख के आएगा फॉर्म इन एचटीएमएल ये ऊपर और ये जो आपने लिखा एंटर योर एड्रेस तो एंटर और एड्रेस आपका यहाँ लिख के आएगा और यहाँ पे आप जो है एड्रेस को टाइप करेंगे जो भी आपको एड्रेस यहाँ देना है। तो ये मल्टीपल लाइंस को डिफाइन करने के लिए हमने लिखा टैक्स एरिया इक्वल टू रोज 2 और कॉस 20। ठीक है स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने प्रोग्राम सीखा जो है एचटीएमएल में वेब टेक्नोलॉजी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स और भी जो इंपॉर्टेंट टैग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे तो 4 or 5 जो लेक्चर उसको आप मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें हम पूरे एचटीएमएल फॉर्म के सारे कोड एक साथ सीखेंगे और उसका आउटपुट फिर हम फिर देखेंगे कि भाई एचटीएमएल फॉर्म में और कौन कौन से टैग हैं, कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जिनका हम यूज करके एचटीएमएल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट ये आज हमने टैग्स एरिया कंप्लीट किया, ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर 3 था एचटीएमएल फॉर्म का। स्टूडेंट मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ कि जब भी स्टूडेंट्स आप लेक्चर को देखें तो आप अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं ताकि लेक्चर आपको ठीक से दिखाई दे, ब्राइटनेस इतनी रखें जिससे कि आपकी आंखों पर उसका फर्क ना पड़े। दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें और अपने मोबाइल पर जो आपकी यूट्यूब की जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p रखें ताकि आपको जो है बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है वो आपको ठीक से विजुअल हो और इससे लिख के अपना नोट्स बनाएं और अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा उसको अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच।